वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटपटे से आलू के स्प्रिंग रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास आलू है जो कि 2 पाउंड के आसपास यानी 1 किलो के आसपास है, उसको हम मैश कर देंगे, इस तरह हाथ से तोड़ लेंगे ताकि थोड़ा चंकी रहे। हमें ग्रेट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ होगा, थोड़े थोड़े चंक्स होंगे, ऐसे हमें चाहिए। देखें ये तो हो गया। अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास यहाँ 1/2 कप पारबॉइल्ड मटर है यानी कि थोड़े से उबले हुए। अगर आपके पास ना उबले हुए हो तो आप उबाल लें, और अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये 1/2 कप है, और इसी में साथ साथ जाएगी, ये देखें हमारे पास है हरी प्याज है जो कि 1/2 कप है, और 1 हरी मिर्च है, बड़ी वाली थी बारीक बारीक काट लिए, और 1 लाल मिर्च है, और 4 टेबलस्पून हरा धनिया है। तो ये डाल देंगे सब, चटपटे ज़बरदस्त से बनाएंगे। ये हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, एक तो झटपट भी बनते हैं, बजट फ्रेंडली भी है और मज़ेदार भी हैं। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ है कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। चले अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मिल गया है, बहुत ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं करना है, थोड़े थोड़े चंक्स मुंह में आएंगे वो मज़ा आएगा। चले बस इसको क्लीन कर लेते हैं और झटपट रोल्स बनाना शुरू करते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा झटपट बनने वाला है और मज़ेदार हर दिल लजीज। ये देखें हमारे पास शीट्स हैं, और अगर आपने ये शीट्स बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ी इजी है, और अगर चाहें तो रेडीमेड भी ले लें। तो चले इसको किसी भी तरह आपको या तो ज़िपलॉक बैग में या गीले कपड़े में कवर करना है बस। तो ये हम लेते हैं आलू और इसमें रखते हैं, ये देखें इतना पोर्शन छोड़ना है हमको इस तरह से, ये कोना, और थोड़ा सा जैसे 2 चम्मच के आसपास भरेंगे। अगर आप चाहें तो कम भी भर सकते हैं, ज़्यादा भी भर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये रीज़नेबल सा है। शेप जो है पहले से ही इस तरह से कर देंगे कि रोल बनाने में आसानी रहे। ये देखें इस तरह से कर लेंगे, और अब इसको यहाँ से मोड़ेंगे और ये इस तरह से टक कर देंगे अंदर। ये देखें इस तरह से टक कर दिया, खींच लिया अच्छे से, और अब ये साइड को यहाँ से लेंगे और इस साइड को यहाँ से लेंगे, और अब दोबारा अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ जो है लई लगा देंगे, बस यहाँ लगाएंगे कोने पे, और इसको लिफाफा जैसे नहीं, लेटर आता था एक ज़माने में, इस तरह लेटर की तरह इसको बंद कर देंगे। ये देखें कितना सिंपल सा है, चलें और बनाते हैं इसी तरह।
अच्छा, मैंने एक और तरह के भी बड़े अच्छे से रोल बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, वो मीट के हैं, तो आप देखिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी बड़े मज़े के हैं। तो बस इसी तरह से सारे बना लेंगे, झटपट ज़बरदस्त से। तो चलिए, ये हमारा लास्ट भी हो गया, और अब यहाँ हमने तेल रख दिया है मीडियम पे, चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑयल हमें कितना गर्म चाहिए, बहुत गर्म नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमने ये डाला है और ये बबल्स जो है ये देखिए आ रहे हैं चारों तरफ, अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट नहीं आए। तो ये हाथ रखो तो हीट आ रही है, बहुत नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो क्रिस्पी नहीं होंगे, डार्क हो जाएंगे। तो चले अब हम डालते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में क्या है कि कलर इतना अच्छा नहीं आता है, कहीं से डार्क होता है, कहीं से लाइट होता है, ख्याल बहुत रखना होता है कि राइट टाइम पर पलटे हैं। और लेकिन आपकी चॉइस है, आपको जैसा ठीक लगे। तो देखिए हमारे सारे आ गए, ये ऊपर झांक रहा है देखने के लिए कि हो क्या रहा है। मैंने डाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रहो सबके साथ। तो बस ये मीडियम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होंगे जब तक हम फ्राई करेंगे इसे। जितना स्लो फ्राई होगा, मतलब स्लो स्लो नहीं, मीडियम तरीके से फ्राई होगा, इतना ही लॉन्ग टाइम तक वो क्रिस्पी भी रहेगा और कलर भी खूबसूरत आएगा। देखें अब ऑलमोस्ट हमारा अच्छा सा हो गया है, थोड़ा सा बस एक आध मिनट और करेंगे। और ये देखें, डीप फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो फ्राई कर रहे होते हैं रोल्स या समोसे, उनका एक ही कलर आता है। और शैलो फ्राई करने से क्या होता है, हो तो जाता है लेकिन फिर क्या होता है, वो पैंदे से चिपक रहा होता है, डायरेक्ट हीट आ रही होती है, उसका कलर कुछ होता है, ऊपर वाले का कलर कुछ होता है, दाएँ का कुछ होता है, बाएँ का कुछ होता है, मतलब बेसिकली वो सारे बहन भाई होते हैं एक रोल में और आपस में किसी की शक्लें किसी से मिल ही नहीं रही होती है। देखिए 5 मिनट और हो गए हैं, तो अब देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर हो गया है। और ये रोल्स जो है ना, वो बेचारे इतने सीधे और अच्छे होते हैं कि वो पकौड़ों की तरह जो है वो तेल को गंदा भी नहीं करते हैं। तो चले अब हम ये ट्विन अपने जो है सारे के सारे ट्रिपलेट्स सबको निकालते हैं सेम कलर को। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। चले और ये काटते हैं और बताते हैं कि लक कैसा रहा है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी आलू के चटपटे रोल्स बन गए। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये मेरी स्पेशल चटनी है जो कि मैंने एक रोल की रेसिपी बताई थी उसमें बताई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा ये चटनी, उसमें देख के बनाइएगा। तो चले इसमें डिप करती हूँ और खाती हूँ। ऐसा चटपटा अंदर है और चटनी जो है वो खट्टी मीठी इस तरह की है, तो बड़ा अच्छा जा रहा है एक दूसरे के साथ। तो आपने देखा कितना क्रिस्पी है। मीडियम पर आप फ्राई करें, बहुत अच्छा फ्राई होगा, कलर सेम आएगा, क्रिस्पी भी होगा। मीडियम से थोड़ा सा लो कर सकते हैं, लेकिन मीडियम हाई अगर पैंदा मोटा है बहुत या कैस्ट आयरन वगैरह का है तब आप करें, अदरवाइज़ मीडियम लो टू मीडियम पे अच्छे से 10-12 मिनट तक फ्राई करें। चलिए लास्ट बाइट आप लोगों के लिए, मज़ा आ गया। देखिए रमज़ान आने वाले हैं, अब आप लोग जल्दी जल्दी जाके बनाएं,
मज़े करें और खूब चटपटा मुंह कर लें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।